शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शुक्रवार, चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में चल रहे हैं। आज के जन्मे जातक लोकप्रिय, दानी, सुखी, ईमानदार, संगीत प्रेमी और स्वाभिमानी होते हैं। महंगी वस्तुओं के शौकीन, शेयर वाला कामों में रुचि रखने वाले और धार्मिक होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातक पिता के लिए भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। मेष राशि वाले जातकों को आर्थिक लाभ की अनुकूलता बनी रहेगी। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। साझेदारी के कामों में आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। अपने सुख सुविधाओं पर व्यय संभावित है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में अनुकूलता मिलेगी। पुराने रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस होगी। विरोधियों व शत्रु पक्ष से सावधानी आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी नियमित रखनी होगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए निजी निवेश संभावित है। व्यावसायिक पक्ष की निरंतरता बनी रहेगी। आपका ऊर्जा स्तर और सक्रियता रुकी हुई व्यावसायिक योजनाओं को गति देने में सक्षम है। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सपरिवार किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए व्यावसायिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक निवेश की कई लाभकारी योजनाएं सामने आएंगी। अपने अनुरूप चुनाव करके क्रियान्वित करें। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल है। कर्क राशि के जातक मानसिक रूप से हर्ष और उत्साहित महसूस करेंगे। पूर्णिमा का पूरा असर आज भी बरकरार रहेगा। आर्थिक लाभ के कई अवसर मिलते जाएंगे। आपका ऊर्जा स्तर नई कार्य योजनाओं के लिए सक्षम होगा। सकारात्मक निर्णय लेते हुए कार्य रूप में परिवर्तित करते जाएं। संतान व आर्थिक पक्ष अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष दबा रहेगा। पारिवारिक सुख संतुष्टि महसूस करेंगे, मगर पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी होंगी। खास तौर से पेट संबंधित मामलों में दिक्कत हो सकती है। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में अचानक यात्रा का योग संभावित है। नए प्रस्तावों के प्रति साझेदारी अभी उचित नहीं होगी। सार्थक कार्यों में जितनी पहल होनी चाहिए उसमें कमी बनी रहेगी। आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल है। परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बना रहेगा। घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास अधिक करना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य और व्यावसायिक मामलों में सुधार का दौर जारी है। भविष्य में अपने कार्य योजनाओं में सफलता का झंडा गाड़ने में सफल रहेंगे। सकारात्मक प्रयास को और गति देने की आवश्यकता है। मित्रों व सहयोगियों से अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धर्म कर्म और मित्रों पर खर्च की स्थिति संभावित है। संतान संबंधी चिंता अभी बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करें। धार्मिक और व्यावसायिक यात्रा संभावित है। तुला राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपके राशि स्वामी छठवें घर में आ चुके हैं। हालांकि अच्छे काम में वित्तीय निवेश के लिए धन की गहरी आवश्यकता महसूस होगी। व्यावसायिक अनियमितताएं संभावित हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप सरकारी विभाग में हैं तो भी आर्थिक लेन देन व सरकारी कागजातों को ध्यान से पढ़कर उसका निपटारा करें। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। मित्रों अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता के लिए
योगा और व्यायाम उचित रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊर्जा स्तर में गिरावट की संभावना बनती है। आलस्य प्रधान कार्यशैली ना होने दें। आपके कार्य क्षेत्र की निरंतरता धीमी हो सकती है। पत्नी पक्ष की सलाह व प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नवीन कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। अपनी क्रियाशीलता को हर हाल में बरकरार रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। व्यावसायिक संसाधनों में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। आय से अधिक व्यय की स्थिति बनी रहेगी। अपने मकान के ईशान कोण को और छत को साफ सुथरा रखें। धनु राशि वाले जातकों की आलस्य प्रधान मानसिकता संभावित है। आराम करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, परंतु भूमि और वाहन का योग निर्धारित हो गया है। अपनी कार्य योजनाओं में सफलता के कारण सुख और संतुष्टि महसूस करेंगे। संबंधित विवादों के निपटाने का योग बनता है। शिक्षा प्रतियोगिता और संतान के मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी मन लगा रहेगा। इन दिनों मित व्ययी होना आवश्यक होगा। मकर राशि के जातकों को अपनी कार्य योजनाओं में सफलता हासिल होगी और आप लाभ की स्थिति में बने रहेंगे। आत्मविश्वास में और वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं की बारीकियों को सीखने का मौका मिलेगा। कोई आदरणीय व्यक्ति या महिला का सहयोग इस कार्य में बना रहेगा। लोकप्रियता और प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आर्थिक उन्नति का दौर जारी है। यात्रा से लाभ संभावित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज विशेष उपलब्धि वाला दिन रहेगा। योजनाओं में कुछ नवीन विषयों पर प्रयास करेंगे, जो कि आर्थिक पक्ष के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक मामलों में अचानक लाभ संभव है। रुके हुए काम संपन्न होंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा। संतान के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि वाले जातकों के खुशी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी सक्रियता और ऊर्जा स्तर बढ़ी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रति प्रयास करें, सफलता मिलेगी। साथ में रुके हुए कामों के आगे बढ़ाने की पुनरावृत्ति जारी रखें। भाग्यवश आपके प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संतान और स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अपव्यय संभावित है और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।